नमस्कार, विनीज रेसिपी एंड क्रिएशन में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग जा रहे हैं शादी में। तो शादी तो कल है, लेकिन आज सगाई है, मेहंदी है, नहीं क्या क्या है तुम लोग, सगाई, हल्दी है। हाँ, सगाई है सुबह में जाते जाते और 10 बजे से, और उसके बाद से दोपहर में हल्दी है और शाम में संगीत है। हाँ, शाम में संगीत है। तो पूरा आज दिन भर हम लोग बिजी रहेंगे, कल भी बिजी रहेंगे। तो मेरा वीडियो आप लोग देखते रहें, लेकिन शादी के वीडियो अगले दिन से पड़ेगा। और मेहंदी में हम लोग गए थे, उसका भी अभी नहीं डाले हैं, लगातार जब बनाएंगे हम डालते रहेंगे। आप लोग मेरे वीडियो को देखते रहिए। और यहाँ पर बेटी मेरी तैयार हो गई है, अरे भाग रही है। इधर मेघा भी जाने के लिए तैयार है पूरा। तो सब कोई अपना अपना ट्रॉली बैग लेकर के तैयार है। पीछे से मेघा आ गई, उसके पीछे पराग है, सबका एकदम भारी भरकम बैग तैयार हुआ है। का अभी हम लोग लिफ्ट में आ गए हैं अभी यहाँ। तो अभी हम लोग औंध पहुँच गए हैं। तो नाम भी यहाँ पर ऐसा है, औंध औंध कुछ का ऐसा है कि हमको नहीं समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर झंडा जो इतना सुंदर लहरा रहा है, तो इसको हम लोग अपने वीडियो में कैच कर लिए हैं कि देखने में बहुत सुंदर लग रहा है, हमारे इंडिया का झंडा है। तो इस जगह का, तो अभी मेघा पहुँच गई है वाकड़ेवाड़ी बस स्टैंड। तो उसको अभी घर जाना है, तो यहाँ से बस पकड़ ली अपना घर जाने के लिए। अब हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं। तो हम लोग दुल्हन के रूम में बैठे हुए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर रिंग सेरेमनी होने वाला है। तो कितना सुंदर यहाँ पर रिंग सजाया गया है, ये आप लोग देख सकते हैं। तो इसलिए हमको अच्छा से रूम में ले लिए हैं। तो अब हम आप लोग को बता दें कि जहाँ हम लोग रुके हुए हैं उस कम्युनिटी हॉल का नाम क्या है, बहुत बड़ा है। तो कला गोविंद लॉन्स नाम है, मेन गेट है ये। यहाँ से आप लोग को दिखाया जा रहा है कि यहाँ पुणे में कला गोविंद लॉन्स कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो आप लोग देख सकते हैं गेट के पास से आप लोग को पूरा एरिया दिखाया जा रहा है। यहाँ से मेन गेट के सामने से जा रहे हैं, और तब आपको चारों तरफ ऐसे ही दिखा दिया गया है, बाद में और घूम घूम करके दिखाया जाएगा। तो यहाँ के सजावट आप लोग देख सकते हैं कि कितना बढ़िया सजावट है, कितना द्वार बना हुआ है यहाँ पर। तो ये मंडप है, मंडप में ही शादी होने वाली है। और यहाँ स्टेज है, इस स्टेज पर यहाँ पे जो भी कार्यक्रम होगा, जैसे इंगेजमेंट होगा, पूजा पाठ होगा, कुछ पूजा यहाँ भी होगा और शादी वाला भी होगा। ये कुछ चीज़ में बनाया गया है लोगों को बैठने के लिए, और स्टेज सजाया गया है, उसका जो बल्ब है वो अपना कलर चेंज कर रहा है। तो जैसे कि कितना सुंदर कलर चेंज हो रहा है, हर कलर का इसमें आ रहा है। अरे उसमें सब देखने में बहुत खूबसूरत है। वो मेन है कि उसमें सब आ गए तो हम वहाँ कहाँ जा कर रहे हैं। लड़की लड़का का देख सकते हैं आप लोग।
हो रहा है, तो पहले लड़की बैठी हुई है, तो लड़की के सास ससुर उधर से जो कपड़ा अभी इंगेजमेंट में पहनना है तो कपड़ा दे करके पूजा कर रहे हैं लोग। तो यहाँ पर पहले इन लोग का लड़की का पूजा हो रहा है, उसके बाद लड़का का होगा। लड़का को भी कपड़ा दिला गया पूजा करके, तो लड़की की माँ है ये, तो ये लोग हो गया। अब लड़का उधर से अब आएंगे, अब दोनों लड़का और लड़की दोनों आदमी फिर अपना कपड़ा चेंज करेंगे लोग, कपड़ा चेंज करके अब तब फिर आएंगे। तो यहाँ पर पूजा कुछ होना होगा तो होगा, और उसके बाद इंगेजमेंट वाला कार्यक्रम शुरू होगा रिंग सेरेमनी का। तो फिर लड़का के माँ और पापा बैठ गए हैं पूजा पर, लड़की तैयार होकर के आ गई, जो ससुराल से कपड़ा मिला हुआ है पहनने के लिए वो पहन कर तैयार होकर के आ गई। और एक यहाँ पर का ये सिस्टम है कि हम लोग के यहाँ जब शादी होती है तो लड़की के माथा पर भी आँचल रहता है, लड़का का भी टोपी रखा जाता है, लेकिन यहाँ पर है कि लड़का के माथा पर रखा जाता है टोपी, लड़की के कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पर सब पूजा पाठ हो रहा है। तो ये लड़की की गोतनी है, तो वहीं सास ससुर पूजा कर लिए हैं लोग, अब गोतनी गई है, तो जो नारियल वगैरह कुछ कुछ है कि जो हाथ में देकर के पूजा कर रहे सब, उसके बाद चुमावन करेगी। तो बारी बारी से लड़की वाले लोग के लड़का के तरफ के जो भी लेडीज आई हुई हैं सो लाइन से आएगा लो, और बारी बारी से ये लोग टीका लगा कर लगाएगा लो। और चुमावन यहाँ का चुमावन थोड़ा दूसरा ही होता है, तो आप लोग देख सकते हैं कैसे चुमाया जा रहा है। पूजा पाठ जो भी है सब हो गया है, अब रिंग सेरेमनी वाला कार्यक्रम शुरू होगा। तो आप लोग देख सकते हैं लड़का लड़की एक दूसरे को टीका करके, उसके बाद रिंग सेरेमनी वाला कार्यक्रम शुरू होगा, एक दूसरे को अंगूठी पहनाएंगे लोग। Thank you.
दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे को माला पहनाए और अब उसके बाद अंगूठी पहनाएंगे और उसके बाद केक कटिंग करेंगे। तो फिर आप लोग देखते रहें। तो अब सब कार्यक्रम ख़त्म हुआ, अब खाना खाने की बारी है। तो हम लोग खाना खाने आए हुए हैं, लेकिन बेटी अभी रुक गई है कि फ्रेंड के साथ में खाएंगी। तो हम और पराग खाना खाने आए हैं, तो अब खाना खाने जा रहे हैं। तो अगला वीडियो अब हम लोग का बनेगा हल्दी का वीडियो। अभी तो ये इंगेजमेंट वाला था और इंगेजमेंट में ही लेट हो गया है, तो इसके बाद 3 बजे के बाद से फिर हल्दी का होगा। 2 से 3 बजे तक ले हल्दी का होगा, उसके बाद शाम में फिर संगीत होगा। तो यहाँ आप दुल्हन दुल्हा दुल्हन वगैरह सभी लोग आ गए हैं खाना खाने के लिए। तो मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों? अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो इंगेजमेंट का, तो प्लीज़ हमें लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, बेल आइकन को दबाएँ जिससे दूसरा नोटिफिकेशन आप सब तक पहुँच जाए। तो आप लोग मेरे वीडियो को पूरा देखा करें और रोज़ दिन एक वीडियो आप लोग के पास जाएगा, पूरा फुल वीडियो, हर शादी के हर फंक्शन का वीडियो आपको मिलेगा। तो वीडियो देखते रहें और आप लोग को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।